please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग फोटोशॉप का लेसन 5 पर है। अभी तक आप लोगों ने लेसन 4 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर ईजिली देख सकते हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेरे पास फोटोशॉप का वर्जन CS3 है। मैंने बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर फोटोशॉप का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 7 से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। तो दोस्तों देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो तक पैच टूल तक कंप्लीट आप लोगों को सिखा चुका हूँ दोस्तों। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, रेड आई टूल, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो तक मैंने बता चुका हूँ दोस्तों टूल्स बार का। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ब्रश टूल, पेंसिल टूल और रिप्लेसमेंट टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक नया पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए सिंपली कंट्रोल एन बटन प्रेस करना है, या फिर दोस्तों फाइल के ऊपर में जाकर न्यू के ऊपर में क्लिक करते हुए आपको न्यू पेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो पेज पसंद है वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। दोस्तों फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सिंपली 8x10 का एक यहाँ पर प्रोटेक्टिक मोड का एक पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं प्रोटेक्टिक 8x10 का। और सिंपली मैं यहाँ पर 68 बिट या फिर 16 बिट का एक पेज ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 8x10 का एक पेज क्रिएट होकर आ चुका है। तो सिंपल दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ब्रश टूल के अंदर राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर क्लिक करना है ब्रश टूल के ऊपर में। ब्रश टूल के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ब्रशेस का ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर सिंपली ब्रश का एक ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों मास्टर डायमीटर का ऑप्शन होता है दोस्तों, ये ब्रश का साइज बड़ा और छोटा करने के लिए, या फिर आप चाहे तो कीबोर्ड का ब्रैकेट ओपन और क्लोज से भी बड़ा और छोटा कर सकते हो। तो सिंपल दोस्तों आप यहाँ से इस तरीके से ब्रशेस का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ब्रशेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारे ब्रशेस का साइज है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्रश का यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ 300 पिक्सल्स का। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ब्रशेस का एक इस तरीके का एक ऑप्शन आ चुका है। अब आपको ब्रश का साइज बड़ा और छोटा करने के लिए जस्ट आपको राइट क्लिक करते हो इस तरीके से ब्रश साइज छोटा और बड़ा कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करते हो इस तरीके से काम भी कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पर कलर ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक करते हुए यहाँ से दोस्तों आप सिंपली जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर ऑप्शन आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप इजीली कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के अंदर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए जो कलर आपको पसंद है वही कलर आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से ब्रश का साइज बड़ा करते हुए इस तरीके से ब्रश ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्चुअली ब्रश ड्रॉ करने का ऑप्शन है दोस्तों इस वाले ब्रश टूल के अंदर क्लिक करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर न्यू पेज यानी कि यहाँ से दोस्तों देख सकते हो यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से ब्रश ड्रॉ कर सकते हैं। इस ब्रश ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको इस ब्रश को जहाँ पर भी इस तरीके से मूव टूल के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हो। इसको जहाँ पर आपको रखना है आप इस तरीके से रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो डिज़ाइन के लिए, जस्ट आपको यूज करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ऊपर नीचे इसको जहाँ पर भी अलाइंस करना है आप इजी तरीके से इस तरीके से अलाइंस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने फिर से न्यू ब्रश के अंदर, न्यू पेज के अंदर क्लिक किया है। अब आपको सिंपली यहाँ पर देखने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों मोड मोड, उसके बाद आपको यहाँ पर ओपेसिटी है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फ्लो है। अगर आपको इस ब्रश का थोड़ा सा ओपेसिटी कम करते हुए चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से सिंपली यहाँ पर ओपेसिटी लिखने के यहाँ पर एक जगह है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ा और छोटा कर सकते हो, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करते। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 41 का ओपेसिटी दिया है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो 41 का ओपेसिटी होकर ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके से दोस्तों, देख सकते हो। तो इसको आपको सिंपली राइट क्लिक करते हुए डिलीट लेयर के ऊपर में क्लिक करते हो इस वाले लेयर को डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको दोस्तों ओपेसिटी 100 करना है तो 100 कर सकते हो, फ्लो आपको कम करना चाहते हो तो फ्लो भी आप यहाँ से इजी तरीके से फ्लो कम करते हो इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि लाइट आपको कलर हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्लो कम होकर इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यानी कि ओपेसिटी का मतलब दोस्तों कलर का
कॉम्बिनेशन यानी कि कलर कम होकर आपको ड्रॉ करना है तो ओपेसिटी कम कर सकते हो, कलर उतना ही रखकर थोड़ा सा फेदर साइट आपको कम करते हुए काम करना है तो ओपेसिटी को यूज करते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये दो ऑप्शन आप यूज करते हुए ब्रश के ऊपर में खेल सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर ब्रश का ढेर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो आपको ब्रश यूज करना है, यानी कि आपको कुछ डिजाइन के लिए आपको ग्रास टाइप का ड्रॉ करना है, सनसेट टाइप का ड्रॉ करना है, कुछ पेंसिल टाइप का ब्रश ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का लीफ टाइप का ड्रॉ, ढेर सारे यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ब्रशेस का। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए ये वाला ब्रशेस ऑप्शन इस तरीके से ड्रॉ करते हुए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से इस तरीके से इसने ब्रश किया। अगर आपको इसको ब्रश का साइज बड़ा और छोटा करते हुए इस तरीके से आप यहाँ पर लीफ वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। एक मैं यहाँ पर न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से ये लीफ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप इस तरीके से रखते हुए डिज़ाइन के अंदर काम कर सकते हो, यहाँ पर रखते हुए इतना भी रखते हुए आप डिज़ाइन के ऊपर में काम कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको, इसको मैं सबसे पहले यहाँ से आई बॉल से हाइड कर लेता हूँ, अगर आपको दोस्तों ये दो लीफ ऑनली चाहिए तो इसको रिमूव करने के लिए, ये आउट ऑफ एरिया को रिमूव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर मार्क्स बटन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए ये वाला मार्क्स बटन को आप यूज़ करते हुए आपको यहां पर मार्क्स एक लेयर के ऊपर में बन जाएगा। और उसके बाद आपको यहां पर ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर में आकर आपको यहां पर इस तरीके से ब्रश यूज करते हुए आपको यहां पर ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर में आकर इस वाले को आपको इस तरीके से रिमूव वगैरह भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो यहां पर ये वाला ब्रश यूज करते हुए भी इसको यहां पर इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है दोस्तों रिमूव करने के लिए आपको यहां पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और उसके बाद बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। तो सिंपली आपको यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ये इजीली यहां पर इस तरीके से रिमूव होकर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरीके से कुछ पार्ट वगैरह रिमूव करना है, ओनली आपको ये दो लीफ आपको इस तरीके से रखना है तो आप रख सकते हो। कंट्रोल टी करते हो इसका आपको मैनेज वगैरह करना है, छोटा बड़ा करना है, तो इस तरीके से आप इजीली इस वाले लीफ को कर सकते हो। ध्यान रखें दोस्तों आपको सबसे पहले काम आपको क्या करना है, मार्क्स बटन के ऊपर में क्लिक करते हुए इस तरीके से ब्रशेस का यूज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, इस वाले लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखाने के लिए एक इमेजेस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मार्क्स के लिए। जस्ट आपको मार्क्स यूज़ करना सिखा रहा हूँ दोस्तों। जस्ट इस वाले इमेजेस को मैं यहाँ पर उठाकर यहाँ पर लेकर आऊँगा और इसको सिंपली कंट्रोल ए कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल सी बटन प्रेस कर रहा हूँ कॉपी और कीबोर्ड का कंट्रोल टैब बटन प्रेस करते हुए इस तरीके से नेक्स्ट पेज के अंदर आऊँगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज के अंदर आने के लिए जस्ट आपको कीबोर्ड का कंट्रोल टैप इस तरीके से करने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पेज के अंदर इजीली पहुंच जाएंगे और उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल भी करते हुए पेस्ट करना है और इसको ऑल्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए, ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करते इस तरीके से साइज छोटा करते हुए आपको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले नीचे एरिया को रिमूव करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर ब्रशेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको कौन सा ब्रश ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से मैं 300 पिक्सल्स का ले रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको राइट क्लिक करते हो, डायमीटर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको लेयर मार्क्स क्रिएट करना है तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लेयर मार्क्स के ऊपर में क्लिक करना है। जब आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सामने यहाँ पर एक लेयर मार्क्स ओपन होकर आएगा और सिंपल आपको क्या करना है, जस्ट आपको ब्रश के ऊपर में क्लिक करते आपको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक होना चाहिए। अगर आपको कुछ रिमूव करते हुए मिस्टेक हुआ है तो आपको रिवर्स करने के लिए जस्ट इसको इस तरीके से ये वाला एरोज ऑप्शन को क्लिक करते हुए रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट इस तरीके से मैं रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से रिमूव किया इस वाले ब्रश वाले ऑप्शन से। और आपको वापस इसके अंदर लेने के लिए जस्ट इसके ऊपर में क्लिक कर देना है और फिर से इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं फिर से वापस आए, यानी कि आप कहीं पर काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मिस्टेक हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इस तरीके से रिवर्स करते हुए या फिर आप चाहे तो कीबोर्ड का एक्स बटन प्रेस करते हुए भी वापस लेकर आ सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पर एक्स बटन प्रेस किया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स हो चुका है कॉलर और उसके बाद आप इस तरीके से ईजिली इसको वापस लेकर आ सकते हो। इस तरीके से आप इजिली कुछ भी पार्ट वगैरह रिमूव करना चाहते हो तो फेदर यूज़ करते हुए इस तरीके से ब्रशेस के यूज़ करते हुए रिमूव कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ब्रश का साइज़ बड़ा किया, जस्ट मुझे इतना आपको रिमूव करना है, जस्ट इस तरीके से सॉरी आपको यहाँ पर रिमूव करने के लिए ये वाला रिमूव रिवर्स होना चाहिए, जस्ट इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर एक बैकग्राउंड के अंदर मैच होकर आ रहा है। तो आप चाहे तो इसको कंट्रोल टी करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा पिक्चर्स बड़ा करते हुए आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको आपको एक बार छोटा बड़ा करते हुए दिखा देता हूँ, जस्ट इसको शिफ्ट होल्ड करते हुए काम करते हुए
और इसको दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से ये इफेक्ट यहाँ पर बंद करता है हो चुका है। इस वाले इफेक्ट से आप ढेर सारा डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो, आपको इस वाला इफेक्ट को अच्छे से पता है तो आप इजी तरीके से मैनिपुलेशन वगैरह इमेज के लिए मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हो ये वाला ब्रश टूल्स का यूज़ करते हुए दोस्तों। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ और, मैं इसको फिर से डिलीट कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल भी और कंट्रोल टी करते इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पर मैं दोस्तों फिर से मैक्स बटन यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं ब्रश के अंदर क्लिक करते हुए दोस्तों देख सकते हैं ब्रश टूल्स के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं ब्रश का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। मुझे जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चाहिए तो जस्ट इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं इस टाइप्स का मार्क्स करना चाहूँगा तो इस तरीके से मैं इसको इस टाइप का भी मार्क्स ईजिली कर सकता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से ये भी यहाँ पर एक ग्रास जैसा इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको इसको ऑल्ट कंट्रोल जेड करते हुए अनडू करते हुए आपको इसको यूज़ करना है तो भी आप ईजिली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला को छोड़कर ये वाला यूज़ करना चाहूँगा, ये वाला एक इस टाइप का ब्रश यूज़ करना चाहूँगा तो इसको मैं थोड़ा सा इसको डायमीटर बड़ा करते हुए जस्ट यहाँ पर मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। तो इस तरीके से भी आप इजीली इसको रिमूव वगैरह करते हुए आप इस तरीके का एक इफेक्ट यूज़ कर सकते हो आपके इमेज के अंदर। देख सकते हो कितना प्यारा इफेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको इसको भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है तो जस्ट आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करते हुए इसको भी आपको राइट क्लिक करते हुए ब्रश का साइज़ यहाँ से बड़ा करते हुए जस्ट आपको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर भी इस तरीके का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप इस जो भी आपको इफेक्ट पसंद है आपको ब्रश का यूज़ करते हुए ईजिली काम कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो मैं ये वाला क्लिक कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करते थोड़ा सा डायमीटर बड़ा करते हुए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरीके से इसको इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से ये इफेक्ट यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। आपको जो इफेक्ट पसंद है वो आप इफेक्ट यहाँ पर यूज करते हुए इजीली काम वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखाने के लिए जस्ट ये वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ और इसको बड़ा कर रहा हूँ जस्ट डायमीटर और यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से इस टाइप का इफेक्ट यहाँ पर ब्रशेस के अंदर यूज करते हुए आप काम कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला भी आपको इफेक्ट इस तरीके से बनाना है तो आप इजीली इफेक्ट इमेज के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर बना सकते हो जस्ट इसके अंदर इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाने हैं तो आप इजीली ब्रशेस का थ्रू इस तरीके से यूज़ करते हो कुछ इस टाइप का इफेक्ट, यूनिक सा इफेक्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जस्ट फिर से यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट आपको मार्क्स बटन के ऊपर मैं क्लिक करते हुए मार्क्स बटन निकालना है, यहाँ से मार्क्स बटन निकालना है और उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखते हुए यहाँ पर आप इजीली इस टाइप का एक पिक्चर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों ब्रश टूल का यूज करते हुए। तो दोस्तों आप लोग को इतना तक तो ईजिली पता हो चुका होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एक और यूज़ करना चाहूँगा ब्रशेस का यूज़ करते हुए। जस्ट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये वाला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मोड है, आप अपने हिसाब से मोड चेंज कर सकते हो ब्रशेस का। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों फिर से मैं एक ये वाला इमेजेस यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल टी करते हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, मार्क्स बटन यूज़ करके दिखा देता हूँ। मार्क्स बटन यूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला ब्रश मैंने सेलेक्ट किया जस्ट ये वाला आपको एक बार दिखाने के लिए जस्ट ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ओपेसिटी में दोस्तों मल्टीप्लाई रखना हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। और आपको यहाँ पर ब्रशेस का साइज़ इस तरीके से बड़ा करते हुए इस तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इस तरीके से क्लिक करते हुए ये वाला इफेक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई को छोड़कर आपको यहाँ पर लीनियर ब्रॉन कॉलर डस्ट जो भी आपका इफेक्ट यहाँ पर पसंद है आप सेलेक्ट करते हुए काम कर सकते हो। जैसे कि विविड लाइट वगैरह इस तरीके से यूज़ करते हुए आप लाइटिंग यूज़ करते हुए ब्रशेस का ऑप्शन यूज़ करते हुए काम कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है इफेक्ट वगैरह यूज़ करते हुए आप इजीली काम वगैरह कर सकते हो। एक्स बटन प्रेस करते इसको मैं रिवर्स कर दूंगा कुछ इस तरीके से दोस्तों। देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पर सबसे पहले रिमूव किया है और इसको कंट्रोल भी करते हुए फिर से कंट्रोल टी और छोटा करते हुए यहाँ पर काम कर रहा हूँ जस्ट कुछ इस तरीके से। आपको जो इफेक्ट यहाँ पर पसंद है जैसे कि लीनियर कॉलर इस तरीके से लीनियर कॉलर के अंदर यूज़ करते हुए, जैसे कि यहाँ पर मार्क्स बटन यूज़ करते हुए जस्ट यहाँ पर इस तरीके से लीनियर वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सा टाइप्स का पिक्चर्स के अंदर यूज़ होता है, कौन कौन से अंदर यूज़ नहीं होता है आप उसके ख्याल करते हुए आप इसको बना सकते हो। जैसे कि हार्ड लाइट के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, ये भी नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको जो
कलर आपको यहाँ पर जैसे कि जो मोड आपको यहाँ पर पसंद है आप वो यूज करते हुए इजीली काम वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बैकग्राउंड कुछ कलर का एक बैकग्राउंड है तो यहाँ से आप लोग एक बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लीजिए। जस्ट ये वाला कलर किया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए मार्क्स बटन के ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं इसको कलर यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि इस तरीके से। सर ये रिवर्स है, इसको मैं रिवर्स करते हुए इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से इफेक्ट वगैरह यहाँ पर लग रहा है पिन लाइट के अंदर, इस तरीके का इफेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लुमिनिसिटी यूज कर सकते हो, ओवरले यूज कर सकते हो, इस तरीके से ओवरले भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई यूज करना चाहते हो, मल्टीप्लाई इस तरीके से यूज करते हुए आप इजी तरीके से जो भी ब्रशेस का इफेक्ट है उसको यूज करते हुए काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको क्लोज किया है, फिर से मैं एक बार आपको दिखाने के लिए कंट्रोल एन बटन प्रेस करते हुए एक कलर यहाँ पर पेज सेलेक्ट करता हूँ, A4 साइज का ही पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर से मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट ब्रशेस का ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आपको ब्रशेस जो भी पसंद है आप जस्ट सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर ब्रशेस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इसको ब्रश का साइज इस तरीके से बड़ा वगैरह करते हुए इजीली ब्रश ड्रॉ कर सकते हो। ब्रश का मल्टीप्लाई कलर, कलर ब्राउन, आपको चाहे तो लीनियर ब्राउन इस तरीके से यूज करते हुए आप इजीली यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। और आपको यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करते हो, यानी कि न्यू लेयर क्रिएट करते हो यहाँ से। उसके बाद आपको इस लेयर के अंदर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इसको कंट्रोल टी करते हुए आप अपने डिजाइन के अंदर इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करते हुए डिलीट किया है, फिर से न्यू लेयर क्रिएट करते हुए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ब्रशेस का ऑप्शन यूज करते हुए। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाला लीफ पसंद है तो इसको राइट क्लिक करते हुए थोड़ा सा डायमीटर बड़ा करते हुए यहाँ पर इस तरीके से लीफ ड्रॉ किया। इसको भी मैं यहाँ पर कंट्रोल टी करते हुए यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। आपको जो कलर पसंद है आप वही कलर के अंदर काम कर लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए आपको चाहिए तो आपको इसको डबल क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर लेयर पैनल ओपन होकर आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर कलर ओवरले के अंदर क्लिक करते हुए कलर ओवरले, और आपको यहाँ से कलर जो भी ब्रशेस के कलर चेंज करना है आपको डिजाइन के अंदर यहाँ से इस तरीके से ईजिली जो भी कलर वगैरह आपको पसंद है इस तरीके से आप कलर वगैरह चेंज करते हुए ब्रशेस के अंदर काम कर सकते हैं इस वाले टूल्स के अंदर। दोस्तों ये ब्रश टूल्स का ये मैंने न्यू पेज के अंदर आपको क्रिएट करके दिखाया है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक आपको ब्रशेस का यूज करते कुछ कलर ग्रेड करना चाहूँगा, यानी कि कुछ यहाँ पर इमेजेस के अंदर यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कुछ आपको इमेज के अंदर गाजल्स वगैरह कुछ आपको मेकअप वगैरह करना है तो आप इस वाले ब्रशेस का यूज़ करते हुए मेकअप वगैरह कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों मैं इस तरीके से फोटोशॉप के अंदर एक ये वाला इमेजेस ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा, और सबसे पहले मैंने ये स्पॉट्स यानी कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये स्पॉट्स वगैरह मैं इसको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, रिमूव करना चाहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो के अंदर सब कुछ बता चुका हूँ दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल्स यूज़ करते हुए एक यहाँ पर ब्रशेस का साइज देकर ऑल्ट होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से सबको यहाँ पर इस तरीके से रिमूव करना चाहूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर ब्रशेस यूज़ करते हुए इसको क्लियर कर दूंगा, ब्रश वाले हिस्ट्री को यहाँ से क्लियर ऑल रीसेट कर दूंगा ऑल टूल्स का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं इसको ईजिली ये वाला ब्रश का यूज़ करते हुए हार्डनेस आपको जीरो करते हुए आप यहाँ पर इसको ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से सब कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो के अंदर सब कुछ यहाँ पर आपको इस तरीके से किस तरीके से इस स्पॉट्स को रिमूव करते हुए वो सब कुछ मैंने बता चुका हूँ दोस्तों ऑल्ट होल्ड करते हुए लेसन 4 वाले वीडियो के अंदर। आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आई बटन पर लिंक है जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर ईजिली देखते हुए इसको काम कर सकते हो। इस तरीके से इजीली फेस के अंदर जो भी स्टाइल्स वगैरह लगाए यानी कि जो भी इस तरीके से स्पॉट्स है वो सब कुछ इजी तरीके से इसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल्स के थ्रू। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिमूव किया है, इसको भी मैं यहाँ पर मोटा मोटा रिमूव करूँगा आपको समझाने के लिए। इस तरीके से मैंने रिमूव करते हुए आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से ये रिमूव हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिमूव किया है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ गाजल वगैरह सेट करना चाहूँ, कुछ यहाँ पर आपको आईब्रो वगैरह सेट करना चाहूँ, यहाँ पर लिपस्टिक वगैरह सेट करना चाहूँ, यहाँ पर कुछ हाईलाइट वगैरह करना चाहूँ तो वो मैं ईजिली यहाँ पर कर सकता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको ब्रश टूल्स के अंदर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ब्रशेस का यूज़ करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली ब्रशेस आपको हार्ड ब्रश के जगह सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। आपको 300 पिक्सल्स का या फिर 200 का कुछ इस तरीके का ब्रशेस का इफेक्ट आपको यूज़ करते हैं। ब्रश का साइज छोटा करते आपको कितना ब्रशेस का साइज चाहिए आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करते हुए आप इजीली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो जो भी कलर आपको पसंद है, यानी कि ब्लैक वगैरह कलर जो भी पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख रहा होगा दोस्तों मोड
मोड, यहाँ पर ये मोड भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी मोड वही है और यहाँ पर भी मोड वही है दोस्तों। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करते हो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर सेट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको ओपेसिटी कम करते हो, इस तरीके से आपको इसको आईब्रो थोड़ा सा डार्क वगैरह करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा आपको इतना रिमूव वगैरह करना है तो इसको आपको मार्क्स बटन यूज़ करते हुए ब्लैक कलर ब्रश टूल आपको इस तरीके से ये आपको ईजिली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए ईजिली रिमूव वगैरह करते हुए इस तरीके से आप इजी तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। बिफोर ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिफोर ये है, आफ्टर ये है, और इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिर से ब्रश टूल्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको फिर से क्रिएट ए न्यू लेयर, और उसके बाद आपको यहाँ पर भी इस तरीके से ड्रॉ करते हुए काम करना है, और सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कलर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपेसिटी कम करते हुए आपको कितना रखना है उस हिसाब से आपको यहाँ पर रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको 35 के आसपास रखा है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट मार्क्स बटन, सिंपली ये वाला ब्रश टूल ब्लैक कलर होना चाहिए। उसके बाद जो भी अननेसेसरी पार्ट है इस तरीके से आप यहाँ पर रिमूव वगैरह करते हुए इजीली यहाँ पर काम वगैरह कर सकते हो। जो भी आपको रिमूव पार्ट करना है इस तरीके से करते हुए आप इसी तरीके से यहाँ पर आईब्रो भी डार्क वगैरह कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से मैंने ये भी आईब्रो डार्क कर चुका हूँ। दोस्तों इसके अंदर 26 है, जस्ट इसको मैं 35 के आसपास कर दूंगा ताकि दिखने में भी और भी ज़्यादा सुंदर लुक लगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गाजल वगैरह सेट करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, जस्ट आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू लेयर करना है। अगर आपको पेन टूल अच्छे से आता है तो पेन टूल से कटआउट करते हुए भी काम कर सकते हो। मैं पेन टूल्स के वीडियो के अंदर आपको सिंपली कुछ सिंपल तरीकों से कटआउट वगैरह करना सिखाऊंगा, पेन टूल से भी फोटोज़ वगैरह को किस तरीके से कटिंग करता है, किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, वो सब कुछ मैं आने वाले वीडियो के अंदर लेकर आऊँगा। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं अब जस्ट ब्रश टूल्स का यूज़ करना सिखा रहा हूँ दोस्तों, तो उसके लिए मैं इसको आईब्रो यानी कि इसके अंदर यहाँ पर गाजल सेट करना है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हुए यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हो ये भी मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको बारीकी से करना है दोस्तों, ध्यान से आपको इस तरीके से करते हुए इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा इधर की तरफ इस तरीके से और डार्क करना है तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर गाजल सेट हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दूंगा। और सेम प्रोसेस आपको ओपेसिटी कम कर देना है, जितना आपको इसके अंदर यूज़ करना है इस तरीके से आप यूज़ करते हुए देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर गाजल सेट किया। इसको मैं 30 के अंदर करूँगा, 27 के आसपास, और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके से ये बन चुका है। इसी को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके लिए दोस्तों ये लेयर के अंदर रहते हुए आपको यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से कॉपी करना है, और उसके बाद आपको कंट्रोल टी बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको राइट क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, फ्लिप होरिजेंटल, इसके ऊपर में क्लिक करते हुए इस तरीके से इसके अंदर फ्लिप कर देना है। और इस चाहे तो आपको इसको साइज आई का साइज इस तरीके से छोटा है तो आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह करते हुए डबल क्लिक करते हुए आपको इसको थोड़ा सा बड़ा वगैरह करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से सेट वगैरह कर सकते हो। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर काजल भी सेट हो चुका है। अब आपको दोस्तों लिपस्टिक कलर लगाना है तो उसके लिए आपको पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा, तो इजी तरीके से आपको यहाँ पर पेन टूल यूज़ करने के लिए जस्ट मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। पेन टूल्स के ऊपर मैं क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली पाथ्स के अंदर क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जस्ट इस तरीके से पेन टूल से यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, कटआउट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको इजी तरीके से कटआउट कर लीजिए। क्लिक क्लिक करते हुए आप कटआउट कर सकते हो, मिस्टेक हुआ है तो ऑल्ट कंट्रोल जेड से अंडू करते हुए यूज़ कर सकते हो। इसको राइट क्लिक करते हुए मेक सेलेक्शन के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर फेदर 2 के आसपास या फिर 3-4 जो भी देना है आप दे सकते हो। उसके बाद आप इजी तरीके से यहाँ पर ब्रश टूल यूज़ करते हुए आपको जो कलर पसंद है यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से रेड कलर करते हुए आपको न्यू पेज क्रिएट करते हुए आपको ब्रश का साइज इस तरीके से बड़ा करते हुए यहाँ पर आपको रेड कलर का लिपस्टिक बना सकते हो। इसको आप इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कलर मोड मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ ओपेसिटी कम वगैरह करते हुए इजीली काम कर सकते हो, या फिर ओपेसिटी डार्क ही रखना है तो इजी तरीके से डार्क रख सकते हो। थोड़ा थोड़ा आपको इसको मैनेज वगैरह करना है तो आप ऑल्ट कंट्रोल जेड करते हुए एक बार में इसको सिंपली यहां से मैं पेन टूल में यहां पर ओपेसिटी फेदर यहां पर मैं 3 के जगह जस्ट यहाँ पर मैं 0 या फिर 0.5 के आसपास करते हुए ओके कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग इजी तरीके से न्यू पेज
क्रिएट कर लीजिए न्यू लेयर, और आपको यहाँ पर जो भी कलर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है उस हिसाब से यहाँ पर आपको आप ब्रश टूल का यूज करते हुए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारे तरीके से ड्रॉ हो सकता है। कंट्रोल डी करते हुए आपको इसको डी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कलर मोल्ड मल्टीप्लाई सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको आपको एडजस्ट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर क्लिक करना है, जस्ट आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हुए आपको यहाँ पर काम कर सकते हो। फिर से इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से डार्क लाइट तो जो भी आपको यहाँ पर चाहिए इस तरीके से आप इजीली ब्रेक डाउन करते हुए अंडर लेयर को, जैसे कि मैं इसको कैंसिल करते हुए यहाँ पर मैं अंडर लेयर को यूज़ करूँगा। ब्लेंडिंग मोड के अंदर क्लिक करते हुए अंडर लेयर को इस तरीके से ड्रैग करते हुए यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हुए इसको मैं यहाँ पर लिपस्टिक का रियलिस्टिक लुक निकाल रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पर एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लिपस्टिक का लुक यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से आपको ऑल्ट होल्ड करते काम करना, इस तरीके से आपको डार्क चाहिए तो यहाँ से आप डार्क लाइट वगैरह सब कुछ इस तरीके से ईजिली काम कर सकते, जस्ट आपको ओके करना है। तो कुछ इस तरीके से लिपस्टिक भी यहाँ पर इजी तरीके से यूज हो चुका है। आपको इसको कलर चेंज वगैरह करना है तो यहाँ से आप क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए जस्ट आपको ब्लेंडिंग मोड के अंदर क्लिक करते हुए कलर ओवरले के अंदर क्लिक करते हुए आपको जो कलर पसंद है आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए लिपस्टिक कलर आपको यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। कितना प्यारा तरीके से दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से जो भी लिपस्टिक आपको कलर आप बनाने हैं पर्पल डार्क पर्पल कुछ इस तरीके से आपको बनाने हैं तो कुछ इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर लिपस्टिक कलर चेंज कर सकते हो। मुझे दोस्तों यहाँ पर रेड ही अच्छा लग रहा है तो इसको यहाँ पर रेड फिक्स कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ब्रश टूल्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको ब्रश का डायमीटर 300 यूज़ करते हुए और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रशेस का साइज़ कम करते हुए सिंपल सा आप इसको यूज़ करते हुए आप ब्रशेस का साइज़ कम करते हुए इसको यहाँ पर इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ओपेसिटी कम करते हुए यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई करते हुए आपको इसको कंट्रोल टी करते हुए बड़ा छोटा जो भी आपके इसके अंदर करना है तो आप इसी तरीके से इसको कर सकते हो। थोड़ा सा ओपेसिटी कम करते हुए आपको लेना है दोस्तों मे बी 10 या फिर 15 के आसपास। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से 10 या मैं यहाँ पर 15 के आसपास कराऊँ तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से रेड यहाँ पर लग चुका है। इसी को ऑल्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको करना है, इसको कंट्रोल टी करते हुए आप चाहे तो इसको साइज वगैरह छोटा कर दे बड़ा कर दे इस तरीके से इसको मैनेज वगैरह कर सकते हो। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर एक मेकअप इजीली कर चुका हूँ दोस्तों ब्रश टूल का यूज़ करते हुए। मैंने यहाँ पर एक आईब्रो इस तरीके से बनाया है, काजल बनाया है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये भी काजल बनाया है, काजल आईब्रो इस तरीके से बना चुका हूँ दोस्तों। अब आपको यहाँ पर कुछ सिंदूर वगैरह बनाने हैं तो भी वो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। जस्ट ब्रश टूल क्रिएट अ न्यू लेयर, आपको यहाँ पर इस तरीके से साइज़ छोटा करते हुए आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हुए इसको सिंदूर के लिए भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह करते हुए ब्रशेस आप चाहे तो इसको नॉर्मली करते हुए जस्ट आपको यहाँ पर ओपेसिटी कम वगैरह करते हुए इसको आप चाहे तो फील भी थोड़ा सा कम कर सकते हो और इस तरीके से आप यहाँ पर सिंदूर वगैरह भी बना सकते हो। फील यहाँ पर मैं 100 ही किया हूँ, ओपेसिटी थोड़ा सा बड़ा करते हुए यहाँ पर इस तरीके से आपको जस्ट समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से सिंदूर भी मैंने यहाँ पर ब्रश टूल के अंदर क्लिक करते हुए एक इमेजेस के अंदर लगा चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बार बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, सभी को मैं इस तरीके से आईब्रो रिमूव करता हूँ। पहले दोस्तों कुछ इस तरीके का इमेज था, अभी मैंने इसको ब्रश टूल यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर इमेज क्रिएट कर चुका हूँ। इस तरीके से आप इजीली ब्रश टूल का यूज़ करते हुए कुछ भी इमेज के अंदर आप इजीली मेकअप वगैरह कर सकते हो। जो भी मेकअप वगैरह करना है आपको, इसको ऊपर के तरफ के मेकअप भी करना है तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। जो भी आपके अंदर इसके अंदर करना है तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। इसी तरीके का टेक्निक यूज़ करते हुए आप इजीली ब्रश टूल्स के थ्रू इस तरीके से काम कर सकते हो कुछ भी इमेज के अंदर। तो दोस्तों मैं एक न्यू पेज के अंदर फिर से क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको और एक पिक्चर्स आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। कुछ भी आपको ब्रशेस के थ्रू ड्रॉ करना है आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कुछ इस तरीके से नेम वगैरह बनाने हैं तो इस तरीके से आपको नेम टाइप करना है, सिग्नेचर टाइप करना है तो आप इस तरीके से इजी तरीके से सिग्नेचर वगैरह भी टाइप कर सकते हो ब्रशेस का थ्रू। ब्रशेस के थ्रू आप जो भी काम वगैरह करना चाहते हो इजी तरीके से आप काम कर सकते हो दोस्तों। ब्रश टूल तो आपको इतना तरीके से इजी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों
आपको पेंसिल टूल बताने जा रहा हूँ। पेंसिल टूल के ऑप्शन के अंदर क्लिक करते हो तो आप इजी तरीके से यहाँ पर भी आपको डायमीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस सेम स्टेप देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी मोड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ब्रशेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी आपको ब्रशेस यूज़ करना है जस्ट आपको ब्रश यूज़ करते इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो पेन टूल का थ्रू भी, आप पेंसिल के थ्रू भी आप इस तरीके से ये भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू लेयर करते हुए ये वाला को मैं सबसे पहले डिलीट करते हुए क्रिएट अ न्यू लेयर करते हुए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए आपको जो भी ब्रशेस यूज़ करना है ब्रशेस का साइज बड़ा करते हुए इस तरीके से आपको आप पेंसिल टूल के थ्रू भी इस तरीके से ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। वो सब कुछ भी आप इजी तरीके से यहाँ से भी काम कर सकते हो। थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जस्ट ब्रश टूल्स के अंदर, यहाँ पर आपको हार्ड ब्रश सॉफ्ट ब्रश देखने को मिलेगा। जस्ट आपको पेंसिल टूल के अंदर सिंपल आपको सॉफ्ट ब्रश यानी कि हार्ड ब्रश देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको ब्रशेस का कुछ इफेक्ट वगैरह यानी कि ब्रश स्टाइल वगैरह देखने को मिलेगा। वो सब कुछ आप यहाँ पर भी बनाकर काम कर सकते हो। जो भी करना चाहते हो क्लिक करते हो, बैकग्राउंड के अंदर क्लिक करना है। बैकग्राउंड के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कलर रिप्लेसमेंट टूल के अंदर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर मोड ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर कलर के अंदर क्लिक करना है। आपको ध्यान रखें दोस्तों बैकग्राउंड के अंदर क्लिक होना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो रेड आई कलर इस तरीके से रेड आई बनाना है तो आप बना सकते हो, यानी कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। जस्ट आपको यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं रेड कलर चूज कर रहा हूँ तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रश का साइज बड़ा करते इस तरीके से रेड आई बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। जस्ट आपको बैकग्राउंड के अंदर इसको मैं सभी को सेलेक्ट करते हुए एक ही कलर के अंदर कंट्रोल जी करते हुए ग्रुप कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर आकर इस तरीके से ब्रशेस का साइज बड़ा करते हुए इस तरीके से आई का कलर इस तरीके से चेंज कर दूंगा। दोस्तों देख सकते हो थोड़ा सा आई का कलर चेंज हो रहा है। आपको जो कलर पसंद है आप सेलेक्ट करते हुए काम वगैरह कर सकते हो। ब्रशेस का साइज छोटा बड़ा करते हुए इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से रेड आई यहाँ पर लग चुका है। इस तरीके से आप इजीली रेड आई बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या फिर आपको ब्लू आई बनाना है तो आप ब्लू आई भी यहाँ से बना सकते हो। जो कलर आपको पसंद है वो कलर आपको सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से आप यहाँ पर काम वगैरह कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ब्लू आई भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ब्लू आई भी यहाँ पर बना चुका हूँ। कलर या फिर ह्यू सेलेक्ट करते हो इस तरीके से ह्यू सेलेक्ट करते हो, ह्यू के अंदर भी काम कर सकते हो। सैचुरेशन के अंदर भी यहाँ पर आपको काम कर सकते हो इस तरीके से, सैचुरेशन लगाकर आपको आई के अंदर इस तरीके से कलर वगैरह बनाने हैं तो आप बना सकते हो कुछ ड्रैगन टाइप का कुछ इस तरीके का। और आपको यहाँ पर कलर ऑप्शन मैंने यहाँ पर हार्डनेस 0 किया है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको काम करना है। हार्डनेस के मतलब होता है दोस्तों आपको सॉफ्ट ब्रश चाहिए कि हार्ड ब्रश चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर हार्डनेस और सॉफ्टनेस आपको यूज़ करना है। हार्डनेस आपको 100 बनाया तो 100 के थ्रू आपको लग जाएगा। मैं यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से 9 के आसपास कर रहा हूँ। सैचुरेशन आपको करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आईब्रो लग जाए यानी कि आई कलर लग जाएगा और उसके बाद आप इस तरीके से आई के अंदर कलर वगैरह यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्लिक करते हो लुमिनिस्टी के अंदर यूज़ करते हो तो जो भी यहाँ पर आई का कलर है वही कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लुमिनिस्टी यूज़ करते हो तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस करते हो तो आपको इस तरीके से यूज़ करने का मिलेगा दोस्तों। जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से कंटिन्यूस करने के बाद इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके इसके अंदर आई के अंदर कलर बनाने चाहते हो तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हो। दोस्तों मैंने आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर आप लोगों को समझा चुका हूँ ब्रश टूल, पेंसिल टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल। इस तरीके से आप इजी तरीके से ये तीन टूल यूज़ करते हुए आप इमेज के अंदर मेकअप वगैरह कर सकते हो, कुछ भी रिमूव वगैरह करना चाहते हो तो वो सब कुछ मैंने आगे ही बता चुका हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप इजी तरीके से ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल यूज़ करते हुए काम कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का आज का इस लेसन 5 का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फोटोशॉप का लेसन 6 के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।